हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो और आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर टू पोलोनोमिल को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलोनोमिल और टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन और इसके साथ साथ हम एन की टू एक्सरसाइज को भी कम्प्लीट सॉल्व करेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर थियोरम फैक्टर थियोरम क्या है इसके स्टेटमेंट को देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं तो हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोलोनिमेल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी ठीक हमने एक्स की एक ये पॉलोनिमेल ले ली है और हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि वैल्यू ऑफ़ पॉलोनिमिल क्या होती है और जीरोज ऑफ पॉलोनिमिल्स क्या होते हैं ठीक है थीक? उसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम इस एक्स को इस पॉलोनिमिल में एक्स को किसी अदर रियल नंबर से रिप्लेस कर दें तो हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्फा से ठीक अल्फा यहाँ एक रियल नंबर है जिस तरह यहाँ ए बी सी रियल नंबर है ठीक है अगर हमने पी ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा से तो गिवन पॉलोनिमिल का जो रिज़ल्ट है वो या तो इक्वल टू तो ज़ीरो होगा या फिर इस पॉलिनीमल का रिजल्ट नॉट इक्वल टू तो ज़ीरो होगा यही दो पॉसिबल है तीसरी कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ नहीं बनेगी ठीक है तो अगर वन बाय वन हम इसको समझते हैं तो अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने पर गिवन पोलोनोमिल की वैल्यू जीरो आती है तो हम इस अल्फा को कहते हैं जीरोज ऑफ पोलोनोमिल ठीक है अगर एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस करने पर गिवन पॉलोनिमिल की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है तो यहाँ पर कोई नंबर होगा ठीक है यहाँ पर कोई नंबर होगा तो वो जो नंबर है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलोनोमिल्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ये चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं ठीक है तो फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए इसका हमको फर्स्ट केस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अंदर जीरोज ऑफ पोरनोमिल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ठीक है अब यहाँ पर हमने जीरोज ऑफ पोरनोमिल में क्या किया है यहाँ पर हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा से तो एक्स को रिप्लेस करने पर अल्फ़ा से गिवन पोरनोमिल की वैल्यू जीरो आ गई है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो राइट right? तो एक्स माइनस अल्फा को हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स तो एक्स माइनस अल्फा पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा अगर इस फैक्टर से गिवन पॉलडिमिल को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको जीरो मिलेगा ये भी हम रिमाइंडर थ्योरम में देख चुके हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंदर हमको दो जीरोज़ मिलेंगे क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉल जो पोलोनिमल्स होती हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री ही बताती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे क्योंकि यहाँ पर हाइएस्ट डिग्री इसकी टू है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ दो होने वाले तो हमने एक माना था अल्फ़ा हम दूसरे को मान लेते हैं जो कि है एक्स इज़ इक्वल टू बीटा तो एक्स को बीटा से रिप्लेस करने पे अगेन जो पॉलिनोमियल है हमारी उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी क्योंकि अल्फ़ा और बीटा गिवन पॉलोनिमिल के जीरोज़ कहलाएंगे तो एक्स इक्वल टू बीटा को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो इस तरह एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलोनिमिल के दो फैक्टर्स कहलाएंगे जिसको हम एक्स माइनस अल्फ़ा इन टू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि फैक्टर होंगे पी ऑफ एक्स के और इन दोनों ही फैक्टर का हम आग, अगर आपस में फिर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वापस हमको यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी ठीक है तो फैक्टर थ्योरम का हम स्टेटमेंट समझते हैं जो कि है इफ़ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलोनीमल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो देखिए हमने यहाँ पर पी ऑफ ए का मतलब हमने वैल्यू ऑफ पॉलोनोमेल निकाली है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर तो x इज इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू जो आई वो जीरो आ गई तो x की इस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलोनोमेल और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर हम करें तो इसे हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स ठीक है अब सेकेंड स्टेटमेंट देखें ये भी वही कहता है p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x अगर x की वैल्यू a पर पॉलोनिमेल का रिजल्ट जीरो होता है तो एक्स माइनस से पी ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाएगा ओके okay? इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी समझते हैं हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉलोनिमेल है पी ऑफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स ओके okay, अब ये हमारे पास एक कॉर्डिक पॉलिमिल है और इसके जीरो में जानता हूँ जो होंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री ओके तो एक्स की इन दोनों वैल्यू पे इस गिवन पॉलिमल का जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा हम पुट करके देख लेते हैं एक बार हमने रिप्लेस कर देते हैं एक्स को माइनस ऑफ टू से तो माइनस टू से रिप्लेस किया तो ये माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस फाइव टू सा हो गया हमारे पास टेन प्लस ऑफ सिक्स तो सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टेन इज इक्वल टू आ गया जीरो ठीक है और अगर हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस थ्री से तो माइनस थ्री से रिप्लेस करने पे माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन माइनस फाइव थ्री सा हो गया फिफ्टीन प्लस ऑफ सिक्स तो सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू अगेन जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इज गिविन पॉलोनिमेल के जीरो कहलाते हैं ठीक है और इसी जीरो को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें जैसे एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू एज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस एक्स इज ईक्ल टू माइनस थ्री को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस थ्री एज इक्वल टू जीरो ठीक है और इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दूँ कुछ इस तरह एक्स प्लस टू इन टू एक्स प्लस ऑफ थ्री तो ये दोनों फैक्टर के लाएंगे पी ऑफ एक्स के ठीक है और इन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो वापस मुझे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लेते हैं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ किया तो एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स इसी तरह इस थ्री का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही टर्म्स के साथ किया तो थ्री प्लस इन टू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स प्लस राइट तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको वापस वही इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू एक्स मिलकर हो गया फाइव एक्स प्लस ऑफ सिक्स ओके तो ये गिवन पॉलिमेल है और इसको फैक्टर फॉर्म में हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है अभी हम टाइप्स ऑफ factorization जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनको हम फैक्टर किस तरह हमको फाइंड आउट करना है अभी समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था जिसके फैक्टर मुझे पहले से ही पता थे ठीक है तो इन एग्जाम्पल की मदद मतलब से इस फैक्टर थ्योरम को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है फैक्टर थ्योरम को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ factorization, ठीक है तो टाइप्स ऑफ factorization जो कि इन पाँच तरीकों से किया जाता है और हमको क्या तरीका अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि हमको इक्वेशन किस तरह की दी गई है तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं और इनको एग्जाम्पल की मदद से भी सॉल्व करते हैं तो नंबर वन है हमारा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर नंबर टू है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स नंबर थ्री है फैक्टराइजेशन बाय मैकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फोर्थ है फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर एंड लास्ट फिफ्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलोनिमेल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओके okay, तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं विथ एग्जाम्पल नंबर वन फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर ठीक है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने ये एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हैं ठीक है थीके? क्योंकि ये सेपरेटेड है प्लस और माइनस से तो इस तरह ये इसकी फर्स्ट टर्म हुई ये इसकी सेकेंड टर्म हुई और ये इसकी थर्ड टर्म हुई और इन तीनों ही टर्म के अंदर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन तीनों ही टर्म के अंदर है और इन तीनों टर्म से हम ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो इन तीनों टर्म से अगर हमने ये कॉमन लिया तो अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म के अंदर ए बी सेकेंड टर्म के अंदर बचेगा बी सी और थर्ड टर्म के अंदर बचेगा माइनस ऑफ सी ए ठीक है तो इस तरह हमारे पास जो एक ये एक, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है तो ये एक इसका वन फैक्टर कहलाया और ये इसका सेकेंड फैक्टर है और इन दोनों फैक्टर को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया है ओके okay? तो इस तरह हम किसी भी एल्जेबिर के एक्सप्रेशन से कॉमन फैक्टर्स को कॉमन ले सकते हैं ओके okay? एक एग्जांपल हम और बनाएं जैसे हमारे पास एग्जांपल है थ्री एक्स क्यू प्लस ऑफ सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ सपोज नाइन एक्स ठीक और इन तीनों ही टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ से हम तीनों ही टर्म से थ्री को कॉमन ले सकते हैं ठीक है यहाँ से भी कंप्लीट थ्री कॉमन आ सकता है यहाँ से भी थ्री कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी थ्री एक्स को हम कंप्लीट कॉमन ले सकते हैं तो थ्री एक्स को हमने अगर कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायेयर क्योंकि अगर थ्री एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो वापस हमें थ्री एक्स क्यों मिल जाएगा सेकेंड टर्म में बचेगा टू एक्स क्योंकि इन दोनों ही टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो थ्री टू दिक्स एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचेगा सिर्फ टू एक्स प्लस ऑफ नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री इन थ्री तो यहाँ पर थ्री और एक्स बाहर चला गया थ्री एक्स जो कि हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा सिर्फ थ्री और इस थ्री के अंदर थ्री एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वापस ये हो जाएगा नाइन एक्स तो इस तरह इन तीनों ही टर्म को हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं तो यहाँ पर इसके ये दो फैक्टर हुए ठीक एक फैक्टर ये हुआ और दूसरा फैक्टर ये वाला इज दैट क्लियर इसके हम सेकेंड टाइप को देखते हैं टाइप नंबर टू है इसका फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म इसको भी एक्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ऑफ वाई ठीक अब इसके अंदर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है फोर ठीक है ये हमारा फर्स्ट टर्म है ये इसका सेकेंड टर्म है ये इसका थर्ड टर्म और ये लास्ट फोर्थ टर्म है ठीक अब हम इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हमको इन तीनों ही टर्म में दिख रहा है तो हम तीनों ही टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं बट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इन तीनों ही टर्म से कॉमन लेने पर ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमको करना ये होगा इसको ग्रुप बनाना होगा तो फर्स्ट टू टर्म से हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स कॉमन लें और सेकेंड टू टर्म से हम वाई कॉमन लें ठीक है तो इस तरह हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म की ग्रुपिंग कर ली है और थर्ड और फोर्थ टर्म की हमने ग्रुपिंग कर ली तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा क्योंकि इसकी हाइस इसकी हाँ पावर जो टू थी तो एक फैक्टर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एक्स ठीक है ये हमने कॉमन लिया है फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से भी हम यही कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स तो हमने अगर कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा फाइव ओके okay, तो फर्स्ट टू टर्म को हमने ग्रुप किया ग्रुप बनाया और उससे कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स फर्स्ट टर्म से कॉमन गया क्योंकि यहाँ पर पावर टू थी तो एक अंदर ही बचा और यहाँ से कम्पलीटली एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स कॉमन चला गया तो अंदर बचा माइनस फाइव एक्स सॉरी ये जो है वो माइनस फाइव एक्स है ठीक है इसी तरह लास्ट टू टर्म से हम वाई कॉमन ले सकते हैं ठीक है थीके? तो लास्ट टू टर्म से अगर हम वाई कॉमन ले लें इवन माइनस वाई कॉमन ले लें ले, क्योंकि हमको ये टर्म को नेगेटिव करना है क्योंकि हमको यहाँ माइनस फाइव दिख रहा है तो माइनस वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाई कॉमन लेने पर अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्योंकि ये तो बाहर गया ही नहीं और यहाँ से वाई चला गया है बाहर इवन माइनस वाई गया है तो यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ फाइव ठीक अगर हम वापस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये टर्म नेगेटिव की हो जाएगी और ये लास्ट टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा प्लस का फाइव वाई ठीक तो ग्रुपिंग करने से हमको फायदा ये हुआ कि अब हम इन दोनों ही टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव कॉमन ले सकते हैं ठीक है दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन दिख रही है तो हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव ये हमने दोनों ही टर्म से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा अब यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ वाई ठीक क्योंकि हमने ये पूरा कॉमन लिया था तो ये कम्प्लीटली एक फैक्टर है ठीक ये कंप्लीटली एक फैक्टर है इसको हम चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव यह एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ वाई ठीक तो इस तरह इन चारों ही टर्म को हमने ग्रुपिंग करके दो दो के हमने ग्रुप बनाए और उनमें से हमने कॉमन लिया और देन जो कॉमन लेने पर जो टर्म्स बनी अब यहाँ पर भी ये दो टर्म्स बन गई हैं ठीक है एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये वाली है इन दोनों ही टर्म से जो कॉमन दिख रहा था हमको फैक्टर वो कॉमन लिया तो इस तरह इस कंप्लीट पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो इसका फैक्टर नंबर वन ये रहा और फैक्टर नंबर टू ये रहा इज इट क्लियर अब टाइप नंबर सेकेंड को समझने के बाद हम टाइप नंबर थर्ड को समझते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इसको भी एक्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं हमने एग्जाम्पल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस ऑफ बी सी यहां पर टोटल हमको टर्म्स गिवेन है थ्री ये हमारी फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड और ये हमारी थर्ड टर्म है ठीक है अब परफेक्ट स्क्वायरिंग जब हमको करना होती है तो कई बार हमको टर्म्स को ऐड और सब्टेट करना भी पड़ सकता है तो ये आप ध्यान दीजिएगा ठीक है बाकी इस एग्जांपल को हम आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर अगर मैं, मैं माइनस टू का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये अभी एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन के बाद ये थ्री टर्म्स बन जाएंगी ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया माइनस टू ए बी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू ए सी इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू बी सी ठीक है और इन तीन टर्म्स को हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बी ठीक है अब जो बची हुई बाकी की टू टर्म्स है यहाँ से हम टू और सी को कॉमन ले सकते हैं जो कि दोनों ही टर्म में तो यहाँ से हमने प्लस टू सी को कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास ए और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ बी ठीक है अब यहाँ पर ये दो टर्म बन गई है एक हो गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरी टर्म है हमारी टू सी इंटू ए माइनस ऑफ बी ए माइनस बी ठीक है और इन दोनों ही टर्म से अब हम ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं ठीक है यहाँ हमने कॉमन लिया ए माइनस बी तो ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस ऑफ बी यहाँ से सेकेंड टर्म से ए माइनस बी बाहर जा चुका है तो अंदर बचा प्लस ऑफ टू सी ठीक है तो इस तरह ये जो थ्री टर्म्स थी इनको हमने मर्ज करके वन टर्म बना लिया है ठीक है तो इस तरह हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइप है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह हमको अप्लाई करना पड़ सकता है और अब इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप नंबर फोर्थ फैक्ट्राइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्स इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक्स टू दावर एट माइनस वाई टू दावर एट ओके ये दोनों ही टर्म माइनस साइन से सेपरेटेड है हम इन दोनों टर्म को भी फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है वो कैसे उसके लिए हम एक आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इन टू ए प्लस ऑफ बी ये हमारे पास एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसकी मदद मतलब से हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो देखिए एक्स टू पावर एट को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर की होल पावर टू माइनस ऑफ वाई टू द पावर फोर टू द होल पावर टू ठीक है इस तरह यहाँ फोर टू जी एट वापिस हमको यही टर्म मिल जाएंगी बट हम इस टर्म को इस तरह लिखने से फायदा ये होगा कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं तो एक्स की पावर फोर हमारे लिए ए हो जाएगा और वाई की पावर फोर हमारे लिए बी हो जाएगा तो हम ये यह आइडेंटिटी यहाँ ईजिलीली अप्लाई कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी की मदद से एक्स टू दी पावर फोर माइनस वाई टू दी पावर फोर इन टू एक्स टू दावर फोर प्लस ऑफ वाई टू दी पावर फोर तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही टर्म सेपरेटेड थी माइनस से अब ये दोनों टर्म फैक्टर फॉर्म में आ गई हैं ठीक है थीके? हम इनको आगे और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं अगेन हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए हम हमको एक्स की पावर फोर को लिखना होगा एक्स की पावर टू की होल पावर टू ठीक है तो वापस एक्स पावर फोर मिल जाएगा हमको इसी तरह हम वाई की पावर फोर को भी लिख सकते हैं वाई टू दी पावर टू और वाई की पावर टू की होल पावर टू ओके और ये टर्म हम एज इट इज एजेंट देते हैं एक्स की पावर फोर प्लस ऑफ वाई की पावर फोर ओके अब यहाँ हम अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है और ये टर्म जो हमारी आदर से, हम इसको भी आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायेयर का होल स्क्वायर ओके बिग ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायेर ठीक है अब उसके बाद हम इसमें कुछ एडिशन सप्टेक्शन करने के बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई बना सकते हैं तो अब यहाँ पर इन टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा अब यहाँ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगेन हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई ओके और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एज इट इज एंड देते हैं ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अब इसके बाद हम यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं उसके लिए हमको कुछ ऐड सपरेट करना होगा तो वो देखते हैं क्या ये इसको हम लिखें पहले तो एज इट इज हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके अंदर हम सपरेट कर देते हैं टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू वाई स्क्वायर और इतना ही हम ऐड कर देते हैं टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तीन टर्म्स को हम लेकर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ठीक तो आगे सॉल्व करें इसको ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इन टू एक्स प्लस वाई इन टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओके हम चाहें तो यहाँ पर भी यही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी हम माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स कर सकते हैं ठीक है तो चलिए कर ही लेते हैं सॉल्व भी करना है हमको तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स ठीक है और यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमको ये टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक अब ये टर्म हमारी रह जाएगी माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ठीक है हम जितना चाहें इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं एट लास्ट स्टेप तक हम पहुँचते हैं यहाँ पर भी तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इन एक्स प्लस वाई इन अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई को हम मिला के लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वो माइनस ऑफ टू एक्स वाई हमने आज डीज रहने दिया ओके okay? इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अब हम चाहें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकते हैं तो टू को हमने लिखा रूट टू एक्स इन टू वाई का होल स्क्वायेर ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए और रूट टू एक्स वाई हो गया हमारा बी तो हम अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इन टर्म्स को हमने आडेटी नहीं दिया तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इन टू एक्स प्लस वाई इंटू इं टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स वाई ठीक अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन पाएगा या उसको बनाने के लिए हमको इस कम इसको कंप्लीटली रूट में लेना होगा तो हम कर सकते हैं ठीक है बाकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको क्योंकि यहाँ फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इतने स्टेप्स ना बढ़ाएँ ठीक है थीक? अब बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा ए था ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर तो ये हो गया हमारा ए माइनस ऑफ बी माइनस बी हमारा रूट टू एक्स वाई ठीक है ये एक टर्म बनी हमारी इनटू ए प्लस बी तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी तो बी है हमारा रूट टू एक्स इंटू वाई ओके अब यहाँ पर हमने इसको काफ़ी स्टेप तक सॉल्व कर लिया बाकी इतनी ज़रूरत नहीं थी बस ये है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें इसको हम कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो हाँ हमारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये हमारा एक फैक्टर हो गया ये इसका सेकंड फैक्टर हुआ ये इसका थर्ड फैक्टर हुआ और ये हुआ इसका फोर्थ फैक्टर एंड एट लास्ट ये हो गया इसका फिफ्थ फैक्टर क्योंकि ये एक एलजेबर एक्सप्रेशन है इसको हम और भी कई स्टेप्स में आगे सॉल्व कर सकते हैं बट हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ समझना था कि फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हम कैसे करें अगर हमारे पास दो दो डिफरेंट नंबर हैं जो कि डिफरेंस फॉर्म में हैं और उन पर एक कोई पावर है जैसे कि यहाँ पर इवन पावर है हमारे पास एट तो हम इनने इस पावर को फैक्टर फॉर्म में इन दोनों ही टर्म को हमने फैक्टर फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर दिया ओके okay? ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप के जब हमको क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे ओके okay? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलोनोमिल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओके अब ये जो टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इस पर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम्स हमको आगे सॉल्व करनी भी हैं तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टाइप को अच्छे से समझा सकूँ ओके तो आप ध्यान से कुछ एग्जाम्पल्स को समझिएगा जिनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ ठीक है तो उसके लिए कॉर्डेडिक पॉलोनोमल की जो जर्नल इक्वेशन होती है पहले हम उसको लिख लेते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉर्डिक पॉलोनोमिल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब ये कॉर्डेडिक पॉलोनोमिल है और उसकी ये जर्नल इक्वेशन है यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है जो कि एक्स की, की पॉल है इसको हम पी ऑफ एक्स भी लिख कह सकते हैं ठीक है अब अगर ये हमार पास एक कॉल्डिक पॉल है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको इसको फैक्टराइज करना है तो हमको करना क्या होता है देखिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशेंट यहाँ पर ए गिवन है और इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो सी है ठीक तो हमको ऐसे दो नंबर लेकर आना है कि जिनका हम आपस में प्रोडक्ट करें जिनका हम आपस में प्रोडक्ट करें तो उनका प्रोडक्ट जो हो वो ए इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो ठीक है और वो दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनको आपस में ऐड या सपरेट करें तो उसका जो रिजल्ट है वो बी के इक्वल होना चाहिए ठीक है यहाँ पर ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल एक नंबर चाहिए हमको या हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और बी क्या है यहाँ पर उन दोनों को अगर हम ऐड करें या सप्ट्रेट करें तो उन दोनों का एडिशन या सप्ट्रेक्शन बी के इक्वल आना चाहिए तो हमको ऐसे दो नंबर को ढूंढना होता है ठीक है इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलोनिमिल का कॉलिडिक पॉलोनिमिल का पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ थ्री ठीक ये हमारे पास एक कॉलिटिक इक्वेशन है एक्स की अब यहाँ पर वन एक्स स्क्वायर कुछ कॉफिशन नहीं one, one three, है, तो मतलब है तो यहाँ पर होगा वन वन माइनस फोर ऑफ थ्री यहाँ पर रियल नंबर है ठीक है तो अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट थ्री के इक्वल हो मतलब ए इन सी के इक्वल है तो यहाँ ए क्या है हमारे पास वन और सी के पे से वैल्यू है हमारे पास थ्री तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा थ्री तो ऐसे दो नंबर हमको ले आना है जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए थ्री आना चाहिए और उन दोनों ही नंबर को आपस में ऐड या सेप्रेट कर दें तो वो इक्वल आना चाहिए माइनस और फोर के तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हम वो दो नंबर हो सकते हैं थ्री और वन क्योंकि थ्री वन सा मिल जाएगा मुझे थ्री और थ्री और वन को आपस में ऐड करूँगा तो मिलना चाहिए मुझे माइनस का फोर तो ये दोनों ही नंबर को मुझे यहाँ नेगेटिव लेना होगा तो माइनस थ्री और माइनस वन को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री बन जाएगा और माइनस थ्री और माइनस वन को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वो माइनस फोर के इक्वल आ जाएगा तो इस तरह हम माइनस फोर को स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ थ्री राइट ये लास्ट टर्म है थ्री हमारी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है इन दो नंबर की मदद से ठीक है तो वो दो नंबर हुए माइनस थ्री और माइनस वन क्योंकि माइनस थ्री और माइनस वन को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको माइनस का फोर मिलेगा और माइनस थ्री माइनस वन को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको थ्री मिलेगा जो कि इक्वल होगा ए इंटू सी के प्रोडक्ट के तो इस तरह ये जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो गई है ठीक है अब इसके बाद हमको सिंपल कॉमन लेना है तो फर्स्ट टू टर्म से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ हमने एक्स कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म पर बचा हमारे पास एक्स और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ थ्री लास्ट टू टर्म से हम माइनस वन कॉमन ले सकते हैं तो माइनस वन कॉमन लेने पे एक्स हो जाएगा पॉजिटिव और थ्री हो जाएगा हमारा नेगेटिव तो इस तरह ये दो टर्म्स बन गई और इन दोनों ही टर्म्स से हम एक्स माइनस थ्री को कॉमन ले सकते हैं ठीक है तो हमने एक्स माइनस थ्री को कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स और यहाँ बचा हमारे पास वन तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड से इस गिविन पोरोनोमिल को हमने फैक्टराइज कर लिया तो इसके जो फैक्टर्स बने वो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन बने ठीक है और इसी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम x एज इक्वल टू थ्री और x एज इक्वल टू माइ वन पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो आएगा तो इसीलिए x एज इक्वल टू थ्री और वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कहलाएंगे इज दैट क्लियर हम और भी एग्जाम्पल बनाते हैं हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ एट ठीक अगेन हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस एट आए माइनस एट मतलब सिर्फ आप कांस्टेंट को मत देखिएगा माइनस एट और यहाँ पर वन भी है हमारा तो वन और माइनस एट का प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ एट तो वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस एट आना चाहिए और उनको आपस में एड या सपरेट कर दें तो उनका रिजल्ट माइनस टू आना चाहिए ठीक है तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम सर्च करें तो देखिए फोर टू होता है एट तो यहाँ हमने ले लिया फ़ोर और यहाँ हमने ले लिया टू तो फोर टू से हमारे पास आ रहा है एट बट नेगेटिव एट चाहिए और यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो भी नेगेटिव चाहिए तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव बना लेते हैं तो माइनस फोर इंटू टू हो जाएगा माइनस एट और माइनस फोर और टू को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी माइनस टू आएगा तो इस तरह हम माइनस टू को स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस ऑफ टू एक्स राइट उसी हमारे पास आज एट इज है इज़ दैट क्लियर तो इस तरह हमने मिडिल टर्म को यहाँ स्प्लिट कर लिया है तो माइनस टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस एट और इनको आपस में ऐड कर देंगे तो बचेगा माइनस ऑफ टू अब इस तरह हम फर्स्ट टू टर्म से एक्स कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स माइनस ऑफ फोर और लास्ट टू टर्म से हम प्लस का टू कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस ऑफ फोर अब इन दोनों ही टर्म से हम एक्स माइनस फोर कॉमन ले सकते हैं तो हमने एक्स माइनस फोर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स और इधर बचा हमारे पास प्लस ऑफ टू ठीक है तो इस तरह हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलोनोमिल को जो कि एक्स की थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया है ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री जो कि है सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलोनोमिल पी ऑफ एक्स की आ, टू एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एलेवन एक्स प्लस ऑफ फाइव ठीक है तो अभी भी हमको वही करना है जो अभी इन दोनों प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए यहाँ पर ए हमारा टू सी हमारा फाइव तो फाइव टू जो होगा टेन तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए टेन और उन दोनों नंबर को जब हम आपस में ऐड या सप्टेट करें तो वो रिज़ल्ट आना चाहिए हमारा माइनस ऑफ इलेवन तो आप सोचिए वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं यस yes, वो नंबर होंगे टेन और वन ठीक है क्योंकि टेन वन सा होगा हमारा टेन और टेन में हम वन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा इलेवन बट हमको जो इलेवन है वो नेगेटिव का चाहिए जबकि इनका प्रोडक्ट हमको पॉजिटिव चाहिए तो हम इन दोनों ही नंबर को नेगेटिव कर सकते हैं तो दोनों ही नंबर को अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो माइनस टेन माइनस वन हो जाएगा प्लस टेन और जब हम माइनस टेन को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ इलेवन तो इस तरह हम इलेवन एक्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स माइनस ऑफ एक्स ठीक तो लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स और माइनस इलेवन को हमने लिखा माइनस टेन एक्स माइनस ऑफ एक्स राइट प्लस ऑफ फाइव और फर्स्ट टू टर्म से हम टू एक्स कॉमन ले सकते हैं तो टू एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ फाइव और लास्ट टू टर्म से हम माइनस वन कॉमन ले सकते हैं जो कि हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ फाइव ओके और इन दोनों ही टर्म से हम एक्स माइनस फाइव कॉमन ले सकते हैं तो एक्स माइनस फाइव हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास टू एक्स और इधर बचा हमारे पास माइनस ऑफ वन तो इस तरह हमने इस गिविन क्वाड्रेटिक पॉलोनमिल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड से फैक्ट्राइज कर लिया है ठीक है तो इस इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर्स रहे इज़ दैट क्लियर अब इस टाइप को और अच्छे से समझने के लिए अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी आई होप कि अभी आपको कुछ हद तक ये क्लियर होगा ओके okay? और अगर अभी ये क्लियर ना हो तो टेंशन की कोई बात नहीं आगे अभी जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर बन जाएगी ओके okay? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एन सी आर टी की एग्जाम एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर टू पोलोनोमिल की एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट फोर को जिसका पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइिंग पोलोनोमिल हैज़ एक्स प्लस वन अ फैक्टर ठीक है अब हमको यहाँ पर चार पोलोनोमिल्स गिवेन है ठीक है और हमको ये बताना है कि इन पॉलोनोमिल्स में से एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है तो हम ये जानते हैं कि अगर ये इस इन पोलोनिमिल का फैक्टर होगा तो इन गिवन पॉलोनिमिल्स को एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा ठीक है तो जो लीनियर पॉलोनिमिल है हमारे पास वो है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हम x इज इक्वल टू माइनस वन इन सारी पॉलोनिमल्स में जो हमको गिवन है उनमें पुट करते हैं ठीक है थेके? तो पुट करने पर जिस भी पॉलोनिमेल की वैल्यू जीरो आएगी इसका मतलब वो पॉलोनिमेल एक्स प्लस वन से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो देगी ठीक है अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो एक्स प्लस वन जो हमारी लीनियर पॉलोनिमेल है वो गिविन पोलोनिमिल का फैक्टर कहलाएगी इज दट क्लियर तो हम वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर पोलोनिमिल uh, हमारी वन है जो कि है एक्स क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन ठीक ये हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स है हमारी पोलोनिमिल ठीक अब हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ऑफ वन से तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन का क्यू माइनस वन होगा और माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन x के प्लेस पे आया माइनस वन और लास्ट वन प्लस वन ठीक तो ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल प्लस वन माइनस वन से कैंसिल तो इस तरह जो वैल्यू ऑफ पॉलिनीमिल आ गई है वो ज़ीरो आ गई है ठीक है अब क्योंकि माइनस वन इस पॉलिमिल के लिए इसका ज़ीरो कहलाएगा तो इसलिए x प्लस वन इस गिवन पॉलिनीमिल का फैक्टर होगा ठीक है इसी तरह हम इसका सेकेंड केस समझते हैं सेकेंड केस देखते हैं पहले तो सेकेंड केस है हमारा एक्स टू दावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ वन अब अगेन हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस वन से तो माइनस वन पुट करें तो माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा प्लस वन माइनस वन की पावर क्यू होगी माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन एक्स को रिप्लेस किया माइनस वन से प्लस ऑफ वन ठीक है अब ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल प्लस वन माइनस वन से कैंसिल तो बट पी ऑफ एक्स माइनस वन पर जो गिवन पॉलोन है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि ये जो गिवन पॉलोनिमेल है वो x प्लस वन से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो नहीं देगी अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब इस गिवन पॉलोनिमल का x प्लस वन फैक्टर नहीं है ठीक है या इसको आप इस तरह याद रखें कि अगर हमारे पास कोई पॉलोनिमेल है और उसको हम दूसरी पॉलोनिमल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब जो हमारा डिवाइज़र है वो गिवन पॉलोनिमल को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है ठीक है तो ये आ, हमेशा फैक्टर के केस में रिमाइंडर जीरो ही हमको मिलना चाहिए ठीक है इसी तरह हम थर्ड केस को भी सॉल्व करते हैं इसका थर्ड केस है हमारे पास एक्स टू तो पावर फोर प्लस ऑफ थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन ठीक अब यहाँ पर हम अगेन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन से तो माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा प्लस वन माइनस वन की पावर थ्री होगा माइनस वन इंटू प्लस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन की पावर टू प्लस वन हो जाएगा प्लस वन इंटू थ्री प्लस थ्री हो जाएगा ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स ठीक है तो वन से वन कैंसिल या थ्री से थ्री भी कैंसिल बट अभी भी हम देखें कि जो गिविन पॉलोनमिल है उसकी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो वैल्यू है वो आई है वन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब यहाँ हमको रिमाइंडर वन मिलेगा ठीक है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है वही रिमाइंडर हमारा खिलाता है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इज गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है इज डेट क्लियर इसी तरह हम फोर्थ को भी सॉल्व करते हैं फोर्थ केस है हमारा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इन टू एक्स प्लस ऑफ रूट टू ठीक अब यहाँ पर भी अगेन हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन से तो माइनस वन का क्यों हो जाएगा माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन बट ये माइनस उसको वापस नेगेटिव कर देगा हम यहाँ माइनस वन पुट हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों आइटम टू प्लस रूट टू और लास्ट हमारा बचा है प्लस ऑफ रूट टू ठीक है अब यहाँ पर माइनस वन माइनस वन मिलकर हो जाएगा माइनस टू जो कि इस प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा बट जो पोर्नोमेल है पी ऑफ माइनस वन पर इसका रिजल्ट आ गया है टू रूट टू जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इज गिविन पॉलोनिमिल का फैक्टर नहीं होगा ओके okay? अब एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट फोर के क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं जो कि है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ प्य ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसेज ठीक है अब यहाँ पर हमको अलग अलग कैसेज दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में हमको एक ही लीनियर पॉलोनिमिल गिविन थी जिससे हमको बाकी पॉलोनिमिल को चेक करना था बट यहाँ पर हमको डिविडेंट भी अलग है और डिवाइजर भी अलग है बट हमको इसको फैक्टर छोड़न की मदद सॉल्व करना है तो हमको ये वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करनी है ठीक है तो हम जो हमारा केस नंबर वन है जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ वन ठीक और जी ऑफ एक्स हमको गिविन है एक्स प्लस वन तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू आ गया वन तो हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ऑफ वन से तो हमको मिलेगा पी ऑफ माइनस वन पर इस पॉलोनिमिल की वैल्यू अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो इसका फैक्टर कहलाएगा ज़ीरो नहीं आई तो फैक्टर नहीं कहलाएगा सिंपल ठीक है तो एक्स से प्लेस से हमने पुट किया माइनस वन तो माइनस वन का क्यू हो जाएगा माइनस वन माइनस वन इंटू टू हो गया माइनस ऑफ टू राइट ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू लास्ट माइनस वन ठीक तो यहाँ टू से टू कैंसिल वन से वन भी कैंसिल तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो आ गई है जीरो तो माइनस वन इज गिविन पॉलिनोमियल का जीरो स्केल आया ठीक है और साथ साथ इसका रिमाइंडर क्योंकि जीरो है तो इसका मतलब एक्स प्लस वन गिविन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा ओके इसी तरह हम सेकेंड को सॉल्व करें सेकेंड में हमको पॉलिनोमियल गिविन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ वन और यहाँ पर जी ऑफ एक्स है हमारे पास जो कि हमारा डिवाइजर कहलाता है एक्स प्लस टू बट हमको इसको फैक्टर थ्योरम की मदद सॉल्व करना है तो वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करें तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू क्योंकि हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू और पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस टू से तो माइनस टू का क्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एट प्लस थ्री एक्सप्ल पुट किया हमने माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और फोर थ्री ज़ा हो गया ट्वेल्व माइनस ऑफ फोर थ्री ज़ा सॉरी थ्री टू ये हो गया सिक्स प्लस ऑफ वन ओके इन नंबर्स को आपस में हमने ऐड किया तो माइनस एट माइनस सिक्स हो गया माइनस ऑफ फोर्टीन और प्लस ट्वेल्व प्लस वन हो गया प्लस ऑफ थर्टीन जिनको सपरेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस ऑफ वन जो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनीमेल है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बट ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है हमको यहाँ रिमाइंडर मिल रहा है ठीक है नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्स प्लस टू गिव का फैक्टर नहीं कहलाएगा ओके okay? इसी तरह हम थर्ड को भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमको पी ऑफ एक्स गिवेन है पॉलोनिमेल एक्स क्यू माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायेर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सिक्स और जी ऑफ एक्स सेकेंड पॉल लेने हमारे पास है एक्स माइनस ऑफ थ्री ओके तो हमको एक्स इज इक्वल टू थ्री पे इसको चेक करना है तो ये वैल्यू हमने पुट करी तो एक्स इज इक्वल पी ऑफ थ्री एक्स से प्ले से पुट किया हमने तो ये हो गया थ्री का क्यू थ्री का क्यू हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ओके और थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन नाइन जा थर्टी सिक्स प्लस ऑफ एक्स को रिप्लेस किया थ्री से प्लस ऑफ सिक्स ठीक है अब इन नंबर को आपस में ऐड किया तो ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री हो गया हमारे पास थर्टी थर्टी प्लस सिक्स हो गया थर्टी सिक्स जो कि पॉजिटिव का होगा और यहाँ पर है हमारे पास माइनस ऑफ थर्टी सिक्स ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो वैल्यू ऑफ पॉलन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री हमारी आ गई है जीरो ठीक है तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारा ज़ीरो तो इसका मतलब एक्स माइनस थ्री इज गिविन पॉलोनिमिल का फैक्टर होगा इज दैट क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ठीक है K of of each of, each of cases, अब हमको के की वैल्यू बतानी है जबकि बोला गया है कि एक्स माइनस वन इन सारी जो केसेस हैं हमारे फोर केस इनका ये फैक्टर है फैक्टर है तो ये हमको डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि गिविन पॉलोनिमिल को जो कि केस नंबर वन टू थ्री फोर में है इनको अगर हम एक्स माइनस वन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा क्योंकि हमसे ऐसा बोला गया है ठीक है तो हम सिंपल एक्स की वैल्यू इन पॉलिनीमल में पुट करते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं तो वन बाय वन इनको सॉल्व करें तो हमारे यहाँ केस नंबर वन है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस ऑफ के ठीक और क्योंकि एक्स माइनस वन गिवन पॉलिनीमल का फैक्टर है तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या x की वैल्यू आ गई है हमारे पास प्लस वन तो हम यहाँ पुट कर दें x की वैल्यू प्लस वन तो p ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर हुआ वन प्लस वन प्लस ऑफ के अब ये इक्वेशन से है तो हम इसको इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं तो वन प्लस वन हो गया टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो तो के वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ऑफ टू ठीक है इसी तरह हम सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं अब मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ x की वैल्यू जो कि है वन हमने पुट की तो वन का स्क्वायर हुआ वन हम केस नंबर टू को सॉल्व कर रहे हैं ना वन का स्क्वायर हुआ वन इंटू टू आ गया टू प्लस के प्लस ऑफ रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस रूट टू ठीक ये के की वैल्यू रही एट एक्स इज इक्वल टू वन पर ठीक है इसी तरह केस नंबर थर्ड को सॉल्व करें जो कि है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस ऑफ वन अब अगेन यहाँ पर हम x इज इक्वल टू वन पुट कर दें तो x इज इक्वल टू वन पुट करने पर ये हो जाएगी कि माइनस रूट टू प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर k इज इक्वल टू रूट टू माइनस ऑफ वन ये क्या की वैल्यू रही ठीक है इसी तरह लास्ट इसका फोर्थ केस को भी सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर है हमको पॉलोन मिल के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ऑफ के इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर भी हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वन से तो यहाँ हो गया हमारा के माइनस थ्री प्लस ऑफ वन एज इक्ल टू जीरो तो माइनस थ्री प्लस वन हो गया माइनस ऑफ टू एज इक्वल टू ज़ीरो के वैल्यू आ गई है हमारे पास प्लस ऑफ टू ठीक है क्योंकि हमको यहाँ पर ये यह बोला गया था कि एक्स माइनस वन इन पोरोनिमल्स का फैक्टर है तो हमने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू इन पोलोनिमल में पुट कर दिया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं जो कि है फैक्टराइज़ ठीक है और हमको ये हमको इस क्वेश्चन में ये फोर केसेस गिवेन है इनको हमको फैक्टराइज करना है ठीक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी जो हमने मैथड एक टाइप पढ़ा था फैक्ट्राइजेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उस पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ठीक है तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को समझते हैं और अगेन उस टाइप को भी समझते हैं जिसमें हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ठीक है तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं तो केस नंबर वन है हमारा ट्वेल्व एक्स टू एक्स स्क्वेयेर माइनस ऑफ सेवन एक्स प्लस ऑफ वन ठीक अब हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है हमको इसे दो नंबर लेकर आना है जिनका प्रोडक्ट ट्वेल्व और वन के प्रोडक्ट के इक्वल हो मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए ट्वेल्व और उन दोनों को अगर आपस में ऐड या सब्टेट करूँ नंबर को तो आना चाहिए हमारे पास माइनस ऑफ सेवन तो वो दो नंबर होंगे फोर और थ्री क्योंकि हम फोर का जब थ्री से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा ट्वेल्व और फोर को जब हम थ्री से ऐड करेंगे तो आएगा सेवन बट हमको माइनस सेवन चाहिए तो क्यों ना हम इन दोनों को ही माइनस कर ले लें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो फोर थ्री जो हो गया प्लस ट्वेल्व और माइनस फोर और माइनस थ्री मिल ऐड होकर बनेगा माइनस ऑफ सेवन तो सेवन एक्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं इन दोनों नंबर की मदद से ठीक है तो हम स्प्लिट कर लेते हैं तो फर्स्ट हम तो हमारा आज रिटिज रहा अभी एक्स ट्वेल्व एक्स माइनस ऑफ सेवन एक्स को हम लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो इज दैट क्लियर अब फर्स्ट टू टर्म से हम फोर एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो हमने कॉमन लिया तो फोर थ्री जो होता है ट्वेल्थ तो यहाँ बचा हमारे पास थ्री एक्स माइनस फोर एक्स कम्प्लीट जा चुका है तो यहाँ पर बचा सिर्फ वन लास्ट टू टर्म से हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वन कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा वहाँ पास थ्री एक्स माइनस ऑफ वन ओके अब इन दोनों ही टर्म से हम थ्री एक्स माइनस वन कॉमन ले सकते हैं थ्री एक्स माइनस वन कॉमन लिए तो फर्स्ट टर्म में यहाँ बचा हमारा फोर एक्स और सेकेंड टर्म में बचाओ मापस माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इस गिविन पॉलिनोमियल को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड से फैक्टराइज कर लिया है थे? तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन को की जो दो फैक्टर्स बने वो बने थ्री एक्स माइनस वन और फोर एक्स माइनस वन ठीक है अब केस नंबर सेकेंड को भी हम सॉल्व करते हैं जो कि है टू एक्स प्लस ऑफ सेवन एक्स प्लस ऑफ थ्री ठीक है इसको हम क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं ठीक है अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है उसके लिए हमको करना क्या होगा हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट टू और थ्री के प्रोडक्ट के इक्वल हो मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए थ्री टू जिक्स और इन दोनों नंबर को हम आपस में आईडियस अपडेट करें तो हम पास आना चाहिए प्लस ऑफ सेवन तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे ऑब्वियसली एक होगा सिक्स दूसरा होगा वन क्योंकि सिक्स वनजा होगा सिक्स और सिक्स प्लस वन मिलकर हो जाएगा सेवन ठीक है और दोनों ही पॉजिटिव चाहिए तो ये दोनों नंबर को भी हमको पॉजिटिव ही रखना होगा तो सिक्स प्लस वन हुआ प्लस सेवन सिक्स वन जो हुआ प्लस का सिक्स तो जो मिडिल टर्म है हमारी सेवन एक्स उसको स्प्लिट करके हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो राइट अब फर्स्ट टू टर्म से हम टू एक्स फॉर्म में सकते हैं तो टू एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा x और इधर बचेगा हमारे पास थ्री ओके और लास्ट टू टर्म से सिर्फ हम प्लस वन कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पर x प्लस थ्री ऑलरेडी बन रहा है एज इक्वल टू जीरो अब ये दो टर्म्स बन गई हैं इन दोनों ही टर्म्स से हम x प्लस थ्री को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास टू एक्स प्लस ऑफ वन ठीक है एज इक्वल टू जीरो तो हमने इस गिव इन कॉरिडिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दिया है तो इस कॉरिडिक पॉलोनिमल के ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे ठीक है इसी तरह हम केस नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं जो कि है सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ फाइव एक्स माइनस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो अगेन स्पीडिंग द मिडिल टर्म में हमको करना क्या है हमको ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिनका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस ऑफ थर्टी सिक्स राइट और उन दोनों ही नंबर को हम ऐड या सब्टेट करें तो हमारे पास आना चाहिए प्लस का फाइव तो वो दो नंबर कौन से होंगे वो दो नंबर होंगे नाइन और 4, क्योंकि 9 फोर क्योंकि नाइन फोर जो होगा थर्टी सिक्स और नाइन में जब हम फोर को सपट्रेट करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का फाइव ठीक है सप्रेट करने पे प्लस फाइव हमको चाहिए तो इन दोनों में से हमको जो छोटा नंबर है उसको नेगेटिव बनाना होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ ही रहा है नाइन और माइनस फोर का प्रोडक्ट होगा माइनस थर्टी सिक्स और इन दोनों का जब एडिशन हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास प्लस फाइव तो मिडिल टर्म जो है हमारी आई फाइव एक्स उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में फाइव एक्स कॉम लिखा प्लस ऑफ नाइन एक्स माइनस ऑफ फोर एक्स ठीक है क्योंकि इन दोनों का एडिशन वापस फाइव एक्स बन जाएगा माइनस ऑफ थर्टी माइनस ऑफ़ सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब फर्स्ट टू टर्म से हम थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं तो थ्री एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचा हमारे पास टू एक्स और इधर बचेगा थ्री थ्री ज नाइन तो बचा सिर्फ थ्री ठीक है और लास्ट टू टर्म से हमने माइनस टू कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास टू एक्स माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो सॉरी प्लस ऑफ थ्री ठीक है और इन दोनों ही टर्म से हम टू एक्स प्लस थ्री को कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बचा हमारे पास थ्री एक्स और लास्ट टर्म में हमारे पास बचा माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो तो इस तरह इस गिविन पोलोनोमिल को भी हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड से फैक्ट्राइज कर लिया ठीक है अब इसका लास्ट केस समझते हैं केस नंबर फोर्थ जो कि है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ फोर ठीक अगेन हमको करना वही है हमको ऐसे दो नंबर लेके आना है जिनका प्रोडक्ट थ्री और माइनस फोर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो मतलब उनका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस ट्वेल्व और उनको आइडिया सपरेट करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस ऑफ वन ठीक है तो वो दो नंबर कौन से होंगे वो दो नंबर होंगे फोर और थ्री क्योंकि फोर थ्री सा हो जाएगा ट्वेल्व बट ये नेगेटिव का चाहिए इन दोनों का एडिशन भी नेगेटिव का चाहिए तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव बना देंगे तो माइनस फोर इन टू प्लस थ्री हो जाएगा माइनस ट्वेल्व और माइनस फोर प्लस थ्री मिलकर होगा माइनस ऑफ वन तो इस तरह हम ए माइनस एक्स को भी स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म से थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं तो थ्री एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स ये एक्स स्क्वायर है हमारा ठीक है यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स और इधर बचा हमारे पास प्लस वन क्योंकि थ्री एक्स कम्प्लीट बाहर जा चुका है और सेकेंड और फोर्थ टर्म से हम माइनस फोर कॉमन ले सकते हैं तो माइनस फोर कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स और इधर बचेगा प्लस ऑफ वन एज इक्वल टू तो जीरो और इन दोनों ही टर्म से हम एक्स प्लस वन कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास थ्री एक्स और इधर बचा हमारे पास माइनस ऑफ फोर इज इक्वल टू तो ज़ीरो तो इस तरह हमने आ, केस नंबर फोर को भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लिया ये दोनों इसके फैक्टर कहलाए ठीक है और ये हमको ध्यान रखना है कि जो कॉर्डिक पॉलोनिमल्स होती हैं उसके दो ही फैक्टर्स होंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो होती है ठीक है तो डिग्री पे ही डिपेंड करता है कि किसी पोलोनिमिल के कितने फैक्टर्स होंगे इज दैट क्लियर अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा फैक्टराइज और इस क्वेश्चन में भी हमको ये फोर केसेस गिवन है जो कि क्यूबिक पॉलोनिमल्स के हैं ओके और इन क्यूबिक पॉलोनिमल को फैक्टराइज हम हम करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो क्यूबिक से उसकी पॉलिनीमल्स डिग्री थ्री होती है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको थ्री मिलने वाले हैं ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फैक्टर को हिडन ट्रायल मैथड से निकालना होता है जो कि बहुत ही आसान है उसके लिए हमको करना क्या होगा हमको x की यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करना होगी पॉलिनीमल्स के अंदर और जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पे पर पॉलोनिमिल की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो हमको एक जीरो ऑफ पॉलिनिमिल मिल जाएगा या हम कहें कि हमको इस गिवन पॉलिनीमल का एक फैक्टर मिल जाएगा ठीक है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करने से बेटर है कि हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन को हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है हमारा एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ टू ठीक है जो कि क्यूबिक पॉलोनिमल है तो हमको इसके अंदर एक जीरो या एक फैक्टर को हिडन ट्रायल मैथड से ही निकालना होगा तो हमको एक्स की वैल्यू पुट करनी है और ये चेक करना है कि एक्स की किस वैल्यू पर इस पॉलोनिमल की वैल्यू जीरो आती है तो हम यहाँ पर एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और सोचने में अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टिपिकल है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान है हमको एक्स की यहाँ पर कई सारी वैल्यू पुट अप नहीं करना पड़ती है एक या दो वैल्यू या मैक्सिमम थ्री फोर वैल्यू में ही हमको पता चल जाता है कि एक्स की किस वैल्यू पे इस, इस गिविन पॉलिंडल की वैल्यू जीरो आने वाली ठीक है तो हम x की कुछ वैल्यू पुट करें जैसे हम यहाँ पर x के प्लेस पे जीरो पुट नहीं कर सकते जीरो पुट करने पे हमको टू मिलेगा बट हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिससे इस गिवन पॉलरी की जो वैल्यू है वो जीरो है तो हम यहाँ पर अगर x के प्लेस पे वन पुट करते हैं तो वन पुट करने पर x का क्यू या वन का क्यू हो जाएगा वन माइनस और वन का स्क्वायर हो जाएगा वन इंटू माइनस टू तो ये हो गया माइनस टू और एक्स को रिप्लेस किया वन से तो ये हुआ माइनस वन प्लस ऑफ टू अब यहाँ पर देखिए टू से टू कैंसिल वन से वन कैंसिल तो इस तरह इस गिविन पॉलिनीमिल की वैल्यू जीरो आ गई है इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन इज गिविन पॉलिमिल का जीरो कहलाया तो एक्स माइनस वन इज गिविन पॉलिनीमिल का एक फैक्टर होगा क्योंकि x माइनस वन से हम इस पॉलिमल को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको जीरो मिलेगा तो इस तरह हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया जो कि हिडन ट्रायल मेथड से हमने किया है ठीक है तो ये हमको एक क्यूबिक के केसेस में करना ही होगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिमेल है तो इस फैक्टर को हमको तीन बार लिख लेना है तो तीन बार हम लिखें एक्स माइनस वन को ये वन टाइम हुआ ये इसका सेकेंड टाइम और एक्स माइनस वन ठीक है तो हमने गिवन फैक्टर को तीन बार यहाँ लिख लिया और हमको इस फैक्टर में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि जिससे हमको जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऑफ टू यही हमको एज एट इज मिल जाए ठीक है तो हमको क्योंकि चाहिए है एक्स क्यूब तो हमको इसको बनाने के लिए फर्स्ट फैक्टर के एक्स के साथ हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो जब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ करेंगे तो हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा तो इस तरह इस क्यूबिक इक्वेशन की हमको फर्स्ट टर्म मिल गई है ठीक है अब सेकेंड टर्म के लिए क्योंकि इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ हुआ तो माइनस वन के साथ भी होगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन के साथ हुआ तो हमको मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर बट हमको चाहिए माइनस का टू एक्स स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर और चाहिए तो उसके लिए हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमारे पास x है अगर मैं इस एक्स में एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वापस फिर से मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले वाले माइनस एक्स स्क्वायर से ऐड होकर माइनस का टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह हमारे पास सेकेंड टर्म भी बन गई है अब हमको चाहिए माइनस एक्स अब इस माइनस एक्स का मल्टीपिकेशन माइनस वन के साथ होगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा बट हमको चाहिए माइनस एक्स तो मुझे इस एक्स के अंदर माइनस टू का मल्टीपिकेशन करना होगा तो माइनस टू का यहाँ मैं मल्टीप्केशन करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस टू एक्स और यहाँ से मिल रहा है हमको प्लस एक्स तो प्लस एक्स माइनस टू एक्स से सेपरेट होकर बचेगा माइनस का एक्स तो इस तरह हमको थर्ड टर्म भी मिल गई है लास्ट टर्म हमको ऑलरेडी मिल जाएगी इसको चेक करने की ज़्यादा से हमको ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि माइनस टू का जब मल्टीप्लिकेशन माइनस वन के साथ होगा तो मिल जाएगा हमको प्लस टू ठीक है तो इस तरह हमने इस क्यूबिक इक्वेशंस को एक फैक्टर की मदद से कुछ इस फॉर्म में लिख लिया अब इस फॉर्म से फायदा हमको यह है कि हम इन तीनों ही टर्म से एक्स माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं तो हमने एक्स माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म में हमें मिला माइनस एक्स और लास्ट हमको मिला माइनस ऑफ टू ओके okay, अब इस तरह हमने इस जो ये हमारी क्यूबिक पॉलोनिमल थी ऑफ एक्स उसको दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बट एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तीन फैक्टर्स होते हैं तो जो दो फैक्टर्स हैं वो इस कॉर्डिक इक्वेशन से हमको मिलेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड को यूज़ करके इस कॉडिक को भी फैक्टराइज कर सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ठीक है तो एक फैक्टर तो हमारा आज रहा एक्स माइनस वन अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट वन और माइनस टू के इक्वल हो मतलब उसका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस टू और उस नंबर को आपस में एड सेपरेट करूँ तो हमको रिजल्ट आना चाहिए माइनस ऑफ वन ठीक है तो वो नंबर होगा माइनस टू और प्लस वन क्योंकि माइनस टू और प्लस वन को जब हम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा माइनस टू और इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ वन तो इसको माइनस वन को हम स्प्लिट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स और माइनस ऑफ टू ठीक है अब फर्स्ट टू टर्म से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस वन तो ऑलरेडी बाहर है ही हम इन दोनों टर्म से एक्स कॉमन लें तो अंदर बचा हमारे पास एक्स माइनस ऑफ टू और लास्ट टू टर्म से हम प्लस वन कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा एक्स माइनस ऑफ टू ठीक है और इन दोनों ही टर्म से हम एक्स माइनस टू कॉमन ले सकते हैं आप तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस टू हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स और यहाँ बचा हमारे पास प्लस ऑफ वन तो इस तरह हमने इस क्यूबिक पॉलिमिल को फैक्टराइज करके लिख लिया है जिसके तीन फैक्टर्स हैं ठीक है केस नंबर सेकेंड है हमारा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस ऑफ फाइव ठीक है तो पहले तो हमको हिडन ट्रायल मैथड अप्लाई करनी है और एक्स की एक सी एक वैल्यू पता करनी है जिसको पुट करने पे गिवन पॉलिनीमिल की वैल्यू जीरो आती हो तो हम एक्स के प्लेस पे यहाँ वन ही पुट करके देखें पहले तो वन अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो वन का क्यों हो गया वन यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री माइनस नाइन और माइनस ऑफ फाइव अब देखिए तीन नेगेटिव क्वान्टिटी और ये पॉजिटिव तो इनका कभी भी सम ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा अब हम एक्स के प्लेस पे माइनस वन पुट करके देखते हैं माइनस वन पुट करने पे ही हो जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन और माइनस ऑफ़ फाइव ठीक है तो माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस नाइन मिलकर हो गया प्लस नाइन सॉरी माइनस नाइन और ये प्लस नाइन मिलकर हो गया जीरो तो इसका रिजल्ट आ गया जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर तो इसका एक्स प्लस वन इज गिविन पॉल का एक फैक्टर के तो हमको करना क्या है कि जो फैक्टर है उसको तीन बार लिख लेना है ठीक है तो हमने तीन बार इसे लिखा एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन ठीक है तो हमको इन तीनों फैक्टर की मदद से इस पॉलिमिल को दोबारा बनानी है ठीक है तो हम x के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको एक्स क्यू मिले तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमको मिल गया एक्स क्यूब उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस वन के साथ तो मिलेगा हमको प्लस का एक्स स्क्वायर बट हमको चाहिए यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर तो हमको ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस के हाँ, सॉरी माइनस के फोर एक्स से मल्टीप्लीशन करना होगा तो माइनस फोर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर सब होकर मिलेगा हमको माइनस का थ्री एक्स ठीक है अब इसके बाद इस माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लीकेशन वन के साथ होगा तो होगा जो कि हो जाएगा माइनस का फोर एक्स बट हमको चाहिए यहाँ पर माइनस का नाइन एक्स तो फाइव और चाहिए तो मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लीशन करूँगा माइनस फाइव का तो माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स मिलकर हो गया माइनस नाइन एक्स और एट लास्ट माइनस फाइव का मल्टीपिकेशन जब वन के साथ होगा तो मिलेगा मुझे माइनस और फाइव तो इस तरह हमने इस एक फैक्टर की मदद से ये फॉर्म या ये स्टेप बना लिए अब इन तीनों ही टर्म से हम एक्स प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं तो एक्स प्लस वन हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ बचा माइनस फोर एक्स और लास्ट टर्म बचा माइनस फाइव अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आगे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आगे सॉल्व करेंगे इसको एक्स प्लस वन इन टू अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस फाइव और वन के इक्वल हो मतलब माइनस फाइव आए और जिनको एड सेपरेट करने पर माइनस का फोर आए तो वो दो नंबर क्या क्या होंगे वो दो नंबर होंगे फाइव और वन क्योंकि फाइव वन सा होगा हमारा फाइव और फाइव में से वन को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर इसके लिए हमको फाइव को नेगेटिव बनाना होगा तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइन सॉरी प्लस एक्स और माइनस का फाइव ठीक है अब इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लीसन करेंगे तो माइनस फाइव आएगा और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का फोर आ जाएगा ठीक है तो इस तरह हम फर्स्ट टर्म और इसकी सेकेंड टर्म से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो आगे सॉल्व करें एक्स प्लस वन तो इट इज चल रहा है ठीक है फर्स्ट टू टर्म से हमने यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स और इधर बचा माइनस ऑफ फाइव और लास्ट टू टर्म से हम प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस फाइव ठीक है और इन दोनों ही टर्म से हम x माइनस फाइव को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा x माइनस सॉरी x प्लस वन इन टू एक्स माइनस फाइव हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस ऑफ वन ठीक है तो इस तरह हमने इस गिविंग पॉलिनोमिल क्यूबिक पॉलिनोमिल के तीनों फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया है ओके इसके बाद इसके हम केस नंबर थर्ड को सॉल्व करें केस नंबर थर्ड है हमारा एक्स क्यू प्लस ऑफ थर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ थर्टी टू एक्स प्लस ऑफ ट्वेंटी ठीक है अब ये इक्वेशन देखने से ही क्लियर है थ्रू आउट पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ हम एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो हमको एक्स की नेगेटिव वैल्यू ही पुट करना पड़ेगी तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से तो माइनस वन हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस वन या माइनस वन पुट होगा तो ये मिलेगा हमको प्लस थ्री या मिलेगा हमको माइनस ऑफ थर्टी टू और प्लस ऑफ ट्वेंटी ठीक है इसको हम ऐड करें ट्वेंटी प्लस थर्टीन हो जाएगा हमारे पास थर्टी थ्री और माइनस थर्टी टू माइनस वन मिलकर हो गया माइनस थर्टी थ्री अगेन ये कैंसिल होकर हमको मिला जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर इस गिवन पॉलिमिल की वैल्यू जीरो आएगी तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इस गिवन पॉलिनीमल का एक फैक्टर होगा तो एक फैक्टर को हम जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद इस फैक्टर को हम तीन बार लिख लें एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन और एट लास्ट एक्स प्लस वन ठीक है अब हमको इस टर्म को इस क्यूबिक इक्वेशन को बनाना है एज इट इज तो हमको यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो फर्स्ट टर्म के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करें एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिलकर हमको मिल गया एक्स क्यूब ठीक है अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ भी होगा तो जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट हमको चाहिए थर्टीन एक्स स्क्वायर ना हम हमारे पास एक्स स्क्वायर है थर्टीन चाहिए तो हमको यहाँ पर ट्वेल्व एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो ट्वेल्व एक्स इंटू एक्स मिलकर हो गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और प्रीवियस वाले एक्स स्क्वायर के साथ मिलकर ये हो गया हमारा थर्टीन एक्स स्क्वायर ठीक है अब इस ट्वेल्व एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ भी होगा तो मिला हमको ट्वेल्व एक्स बट हमको चाहिए थर्टी टू एक्स अब कितना कम है हमारे पास ट्वेंटी एक्स कम है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ट्वेंटी का तो ट्वेंटी एक्स और ट्वेल्व एक्स मिलकर हो गया थर्टी टू एक्स ठीक है और एट लास्ट ट्वेंटी का जब मल्टीप्लिकेशन वन के साथ होगा तो ये मिल जाएगा ट्वेंटी ठीक है तो इस तरह हमने इन टर्म को बैलेंस कर लिया है और इन तीनों ही टर्म से हम x प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस वन हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इधर बचा हमारे पास प्लस का ट्वेल्व एक्स और लास्ट हमको मिला ट्वेंटी ठीक है अब यहाँ पर हम अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके रिमेनिंग दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो हम हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए ट्वेल्व और जिनको आपस में आइड या सब करें तो हमारे को मिलना चाहिए प्लस का ट्वेल्व तो वो नंबर नम, दो नंबर होंगे टेन टू जो ट्वेंटी और टेन प्लस टू हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है सब पॉजिटिव ही होंगे तो ये हुआ हमारा एक्स प्लस वन और हमने जो मिडिल टर्म है हमारी ट्वेल्व एक्स उसको स्प्लिट करके हमने लिखा टेन एक्स प्लस टू एक्स क्योंकि टेन टू जो हुआ ट्वेंटी टेन प्लस टू ट्वेल्व ओके प्लस ऑफ ट्वेंटी और फर्स्ट टू टर्म से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो एक्स प्लस वन हमारा एज इट इज़ रहा फर्स्ट टू टर्म से हमने एक्स कॉमन लिया तो ये आया एक्स बाहर तो इधर बचा एक्स और यहाँ बचा प्लस ऑफ टेन ठीक है और लास्ट टू टर्म से हम टू कॉमन ले सकते हैं तो टू तु कॉमन ले तो यहाँ बचा एक्स और इधर बचेगा प्लस का टेन ठीक है अब ये दोनों फैक्टर सेम है कॉमन आ जाएगा तो कॉमन लेने पर एक्स प्लस वन एक ऑलरेडी फैक्टर हम निकाल चुके थे दूसरा फैक्टर हो गया हमारा एक्स प्लस टेन और थर्ड फैक्टर होगा हमारा एक्स प्लस ऑफ टू ओके okay, तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर लिया है अब इसके हम केस नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं तो केस नंबर फोर्थ है हमारा टू वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस ऑफ वन ठीक है तो गिवन पॉलिनोमियल जो है वो हमको वाई की गिवन है जो कि है टू वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस ऑफ वन ठीक है तो पहला तो फैक्टर हमको ट्रायल मेथड से ही निकालना है तो हमने वाई की प्लेस पे अगर हम यहाँ पर वन पुट करें तो वाई की प्लेस पे अगर वन पुट करने पर हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनीमेल वन पर होगी टू इंटू वन का क्यू वन इंटू टू ये हुआ टू और ये हो गया हमारे पास प्लस वन माइनस टू माइनस वन इस तरह ये सारे कैंसिल हो गए तो इसकी पॉलिनीमेल की जो वैल्यू है वन पर वो आ गई ज़ीरो तो इसका मतलब y माइनस वन इस गिबिन पॉलोनिमिल का एक फैक्टर होगा अब हमने एक फैक्टर निकाल लिया है तो उसके बाद हमको इस फैक्टर को तीन बार लिख लेना है y माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस वन हम तीन बार क्यों लिख रहे हैं इसको क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनीमल है अगर इसके बाद की बड़ी पावर की कोई पॉलिनीमिल होगी जैसे पावर फोर की पॉलोनिमिल है तो हमको इस तरह इस फैक्टर को फोर टाइम्स लिखना होता ठीक है अब हमको जो हमारी पॉलोनिमिल है इसको एज इट इस फॉर्म में बनाना है इन फैक्टर की मदद से तो हमको y के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारे पास थ्री वाई क्यूब आ जाए तो हम y के अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा टू वाई स्क्वायर का सॉरी टू तो इस y के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको टू वाई क्यूब मिले तो ऑब्बियसली हमको यहाँ पर टू वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा क्योंकि एक वाई ऑलरेडी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मिल गया हमको टू वाई क्यूब ये टर्म हमारे पास बन गई है ठीक है अब टू वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीसन माइनस वन के साथ भी होगा जो कि हो गया माइनस का टू वाई स्क्वायर बट हमको चाहिए सिर्फ प्लस का वाई स्क्वायर ठीक है तो उसको हमको सेपरेट करना होगा तो इससे बड़ी टर्म बनाने के लिए हमको प्लस थ्री वाई का यहाँ मल्टीप्लीसन करना होगा तो इससे हमको मिलेगा थ्री वाई स्क्वायर और टू वाई स्क्वायर इसमें सेपरेट होगा तो बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर ठीक है तो इस तरह हमारी सेकेंड टर्म भी मिल गई ठीक है अब थ्री वाई का मल्टीप्लीसन जब माइनस वन के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री वाई बट हमको प्लस सॉरी माइनस का टू वाई चाहिए तो इसमें से एक कम करना है तो हमको ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हमको प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन हुआ वाई के साथ तो ये हुआ प्लस वाई और यहाँ पर था हमारे पास माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई में से एक वाई कम होगा तो बचेगा माइनस का टू वाई तो इस तरह हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई है और प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस वन के साथ होगा तो हमको माइनस वन मिलेगा ठीक है तो इस तरह ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है अब हम इन तीनों ही टर्म में से y माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं तो वाई माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास टू वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म में बचा हमारे पास थ्री वाई और लास्ट टर्म में हमारे पास बचा प्लस ऑफ वन ठीक है अब ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब हम जानते हैं कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट टू के इक्वल आए टू मतलब इस टू और वन के प्रोडक्ट के इक्वल आए जो कि होगा टू और उन दोनों को ऐड या सेपरेट करने पे हमको मिलना चाहिए प्लस का थ्री तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे टू वन ज टू और टू प्लस वन हुआ थ्री ठीक है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं तो टू वाई स्क्वायर थ्री वाई को हम लिख सकते हैं टू वाई प्लस ऑफ वाई ठीक है टू वाई प्लस वाई मिलकर हो गया थ्री और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, प्लस टू प्लस ऑफ वन ओके अब फर्स्ट टू टर्म से हम टू वाई कॉमन ले सकते हैं तो वाई माइनस वन हमारा आज एट इस चल रहा है फर्स्ट टू टर्म से हमने कॉमन लिया टू वाई तो यहाँ बचा हमारे पास y यहाँ बचा हमारे पास वन और लास्ट टू टर्म से हम सिर्फ प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास y प्लस वन ठीक है और इन दोनों ही टर्म से y प्लस वन को, को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया हमारे पास y माइनस वन इन टू वाई प्लस वन हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास टू वाई और यहाँ बचा हमारे बस प्लस ऑफ वन ठीक है तो इस तरह हमने इस क्यूबिक इक्वेशंस को भी फैक्टराइज कर लिया है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस थी इसलिए इसके यहाँ पर हमारे पास थ्री फैक्टर्स बने इज दैट क्लियर आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट फाइव को सॉल्व करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग